इधर से दूर से हम वहाँ से मैया के साथ साथ में आए थे सड़क मार्ग से, और अब हम यहाँ से परिक्रमा को इस तरफ में मैया आपको दूर तक दिख रही होगी वहाँ पे हम बढ़ाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 52वां और 53वां दिन है। मैंने यहीं देरोली के इस बकुल आश्रम में बिताया, और आज 53वें दिन पे सुबह के 7:30 बजे मैं परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज हम परिक्रमा में बढ़ेंगे दिवेर की साइड में, और सही है ना हमारा इधर से ही है ना मार्ग, ठीक है। तो परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। सुबह का वक्त हुआ है 7:35 और ठंड बढ़ गई है। नर्मदे हर मैया नर्मदे हर। तो बड़ा ही ठंडा मौसम हो गया है, इसलिए हमने सुबह में जैकेट भी पहनी हुई है, और आनंद में हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरे पीछे का मार्ग देख रहे हैं, कल हम लोग उधर से अंदर आए थे और फिर सीधे हाथ को आश्रम में चले गए थे। अभी हम लोग यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुबह सुबह परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था, और आज बाल भोग में मुझे यहाँ पे परिक्रमावासियों ग्रामवासियों की तरफ से पूरा ये हमारा कमंडल दूध भर के मिल गया है। नर्मदे हर। परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से देवरी की तरफ, और सुबह में बाल भोग में ये आधा लीटर दूध पीते हुए आनंद में रहते हैं। सुबह में गांव में से निकलने के बाद में हम एक खेतों के बीच में से निकले, और फिर ये खादान क्षेत्र के पास से जहाँ पे रेती का काम चल रहा था, और रेती के इस तरह के ढेर हमें देखने को मिल रहे थे। सूर्योदय का वक्त था, और हम लोग बिल्कुल अब मैया के साथ साथ में परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे थे। ये सुबह सुबह का वक्त है, 8 बजे, और भूख लगने लगी है, और दूध घी मक्खन छाछ ये सब तो मेरे फेवरेट हैं। तो चलिए पहले इस दूध का आनंद लिया जाए। अति उत्तम। नर्मदे हर। गाय का कच्चा दूध तो मुझे बेहद ही पसंद है। उसमें अगर बादाम को और काली मिर्च को पीस के पत्थर पे सिलबट्टी पे और फिर चीनी के साथ मिला के पिया जाए, वाह वाह। तो दूध का पूर्ण आनंद लिया गया। नर्मदे हर। थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं और फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप भी अपना बाल भोग लीजिए, वीडियो का आनंद लीजिए, और कमेंट करिए प्लीज़। शेयर बहुत कम हो रहा है, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि ऐसे भर भर के आप मुझे प्यार भी देते रहेंगे जैसे भर भर के। परिक्रमा के दौरान आगे बढ़ने पर हमने पाया कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन पुरानी गाड़ियों को और नौकाओं को सजा के रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट था, शायद ये किसी का फार्म हाउस है, और उन्होंने ये सब स्थान अपने आनंद के लिए बना के रखे हैं। इस व्यू पॉइंट पे खड़े होके हमने कुछ वक्त मैया को निहारा, और बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ फिर से अपनी घबराहट को थामे हुए मैया के पास आके यहाँ पे बैठे। तो यहाँ पे कमलेश भाई यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, इनका ये फार्म हाउस है, और
ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत स्थान है। तो चलिए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। सुबह में अगर आपने बाल भोग नहीं लिया तो आपको यहाँ पे चाय बिस्किट मिल जाएंगे और जो भी ये सेवा दे सकते हैं मिल जाएगा। तो चलिए आनंद में मैया के साथ साथ में सुबह के इस वक्त में परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। परिक्रमा में कभी हमें ये सूखे घास फूस मिलते तो कभी इतने खूबसूरत ये पुष्प और बगीचे। बीच में तो हमने गुलाब के भी बगीचे देखे थे और आज हमें ये गेंदे जैसे ये अलग सर्दियों वाले पुष्प देखने को यहाँ मिल रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में ही हमें इन खेतों के बीच में इस मंदिर के पास से होके गुजरना था। यहाँ पे हमने पाया कि ये मंदिर कुछ कुछ दक्षिण के मंदिरों की तरह बनाया गया है। यहाँ पे हनुमान जी की आपको प्रतिमा तो देखने को मिलेगी लेकिन मंदिर के बाहर आपको नटराज की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। मंदिर का ये जो पत्थर है और ये जिस तरह से यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई हैं ये आपको मेहसाणा के सूर्य मंदिर में भी देखने को मिलेंगे। ये गुंबद और ये छतरी के अंदर जिस तरह से ये नक्काशी करी गई है बेहद ही खूबसूरत है। भगवान की इन प्रतिमाओं के लिए पत्थरों को खास तौर से दक्षिण से मंगवाया गया है लेकिन शिवलिंग जो हैं यही नर्मदा मैया के जल से यहाँ पे विराजे गए हैं और इन्हें यहाँ पे स्थापित किया गया है। यहाँ पर महादेव की ये शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है। मंदिर से जब आप बाहर की तरफ देखेंगे तो चारों तरफ आपको ये खूबसूरत खेत देखने को मिलेंगे और थोड़ी ही दूरी पे सामने आपको मैया के भी दर्शन होंगे। चोटी बना रहे हो? शूल पानी के जंगलों के बाद काफी वक्त बाद मैंने देखा कि हम लोग फिर से एक घर के बीच में से बिल्कुल अंदर से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे थे। हम आगे की तरफ से घुसे और पीछे की तरफ से घर में निकले और फिर हम इसी गांव के इस तालाब में पहुंचे। बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस तालाब को बनाया गया है और आप पाएंगे कि ये पूरा तालाब सीमेंट और कंक्रीट से बनाया गया है। राणापुर के इस गांव में हमने मेल्दी माँ के दर्शन करे और फिर परिक्रमा में गांव के बीच में से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अभी तक मैं परिक्रमा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। राणापुर गांव से आगे ही आपको ये त्यागी जी महाराज का आश्रम मिलेगा जहाँ पे हमने अभी थोड़ी सी नमकीन खाई, थोड़ी सी चाय पी और अब हम परिक्रमा को मैया के साथ साथ आनंद में आगे बढ़ा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ परिक्रमा में और लेते रहिए परिक्रमा का संपूर्ण पूर्ण आनंद आनंद में। ओके नर्मदे।
इन पक्षियों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ता और ये उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ के अपना स्थान बदल लेते। आखिरकार इन्हें उड़ के मैया के पास जाना पड़ा और मुझे इस पगडंडी पे अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाना पड़ा। तो दोपहर के 11 बजे और हम लोग आ गए हैं आश्रम में और यहाँ पे अभी हम भोजन प्रसादी लेके थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छी यहाँ पे पवन चल रही है और बहुत ही सुंदर आश्रम बनाया गया है। इस प्राइवेट फार्म हाउस पे परिक्रमा वासियों को सेवा दी जाती है और यहाँ पे हमने एक बेहद ही खूबसूरत शिवलिंग भी देखा। कुछ वक्त मैंने यहाँ बिताया और वक्त धीरे धीरे बढ़ के शाम तक पहुंच गया क्योंकि हमने परिक्रमा को यहाँ से आगे नहीं बढ़ाया। सुबह 11 बजे से आने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे मैया के पास सूर्यास्त के दर्शन करे और फिर यहीं पे रात्रि में विश्राम करा। नर्मदे हर।